दोस्तों आज हम वॉशरूम में हैं और अपने व्हीलचेयर यूजर्स दोस्तों को ये बताना चाहते हैं या दिखाना चाहते हैं कि हम वॉशरूम में व्हीलचेयर से अकेले कैसे मैनेज करते हैं। जो कोई रिहैब सेंटर नहीं पहुंच पाते या किसी व्हीलचेयर यूजर्स दोस्त से नहीं मिल पाते तो उनको बहुत मुश्किल होती है ये सब चीज़ें जानने के लिए। तो हम चाहते हैं कि हम इस वीडियो के जरिए आप सबको वो चीज़ें बता सके, वो चीज़ें पहुँचा सके जिससे आपको समझने में इजी हो। कमोड पे इस रिंग के आगे की साइड हाथ नहीं रखेंगे, सामने रखेंगे। सामने रखने के बाद फिर दूसरा हाथ हिप्स के जितना पास आ सकता है, जितना नजदीक वहां पे रखेंगे और एक लंबा सा कॉन्फिडेंटल पुशअप लेंगे और आराम से कमर पे शिफ्ट हो जाएंगे। शिफ्ट होने के बाद हम व्हीलचेयर को साइड में कर सकते हैं। और एक चीज इसमें मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि जब भी हम कमोड पे बैठने आ रहे हैं, नहाने आ रहे हैं, तो हमें साथ में एक टॉवल लेके आना है। जब भी हम नहाते हैं हमारी पूरी बॉडी गीली होती है और हम व्हीलचेयर पे बैठते हैं हमारा कुशन गीला होता है, हमारी कवर गीली होती है, तो वो सब खराब ना हो तो इसके लिए हमें एक लेके आना है। और बैठने के पहले हमें अपनी व्हीलचेयर पे ऐसे रख देना है। अक्सर मेरे दोस्त इस पे आने के बाद या कमोड पे बैठने के लिए डरते हैं कि हम कमोड पे टॉयलेट नहीं करेंगे, नहीं तो हम किसी भी तरफ गिर जाएंगे या इस तरफ या इस तरफ। तो एक चीज मैं बताना चाहता हूँ उन दोस्तों को जिनके घर पे वॉशरूम नहीं है, वो बनवाना चाहते हैं, या फिर जिनके घर पे है अगर वो बनवाना चाह रहे हैं, तो कोई भी जो भी उनका रूम का सेटअप होता है ना, वो कमोड जो बैठनी है वो किसी एक कॉर्नर में बैठेगी और जिस साइड बैठेगी बैक साइड पूरा टच रहेगा और दूसरे साइड में कम से कम 8 इंच या 1 फीट, नहीं तो कम से कम 8 इंच एक साइड में कमोड लगवाएं, जिससे हम अगर गिरते भी हैं तो राइट साइड हम दीवार को पकड़ सकते हैं और लेफ्ट साइड हमारी व्हील चेयर होती है, तो हम इस पे अपना बैलेंस बना सकते हैं, तो हम किसी भी साइड गिरेंगे नहीं। और दूसरी चीज ये बताना चाहेंगे कि जैसे हम नॉर्मली इस पे कमोड पे बैठते हैं या हाथ के साइड से, ये दूसरे पैर को ऐसे टेक लगाते हैं और इस वजह से पूरी बॉडी को बैलेंस करते हैं, हमारा दूसरा हाथ फ्री हो पाता है, फिर हम दूसरा जो भी काम करना है वो हम काम कर सकते हैं। और हमें ये भी देखना है हमें टॉयलेट के टाइम पे किस तरह से हम अपने हाथ को पीछे लेके जा सकते हैं, पीछे जगह कितनी है, कैसे लेके जाएंगे, तो वो सब चीजें उस हिसाब से आपको बैठना है, आगे बैठना है, पीछे बैठना है। आप नहा रहे हैं तो कंफर्टेबल थोड़ा सा पीछे ही होके बैठे हैं। ये हैंड शावर है, आप ये भी लगवा सकते हैं, ये इजी होगा नहाने के लिए भी, आपको मग्गा नहीं उठाना पड़ेगा, आपको आपका बैलेंस नहीं जाएगा, ये सबसे आसान होता है। और दूसरा ये है कि आपके नजदीक में ही ये वॉश बेसिन आपके नजदीक में ही है, आप अगर वॉशरूम नहीं बनाए हैं, प्लान कर रहे हैं बनवाने के लिए, तो आप ये पास में लगवा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम आप अपने ब्रश रख सकते हैं, साबुन रखते हैं, नजदीक ही होगा, यहाँ से आप इजीली ले सकते हैं, फिर यहाँ पे रख सकते हैं। तो आप इस तरह से नहाने का भी सेटअप और वॉशरूम में जो कुछ भी जरूरतें होती हैं वो आप आसानी से मैनेज कर सकते हैं। और एक चीज खास मैं आप दोस्तों को बताना चाहता हूँ कि जब आप नहा रहे हैं इसमें, आपका वॉशरूम कम से कम इतना बड़ा होना चाहिए, 6x5, थोड़ा और बड़ा हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम 6x5। वो इसलिए कि हमें जरूरत तो सिर्फ एक कमोड की है, ठीक है, लेकिन हम व्हीलचेयर के साथ आते हैं और व्हीलचेयर हम वॉशरूम के बाहर लॉक नहीं करते, बाहर नहीं खड़ी करते, हमें ये व्हीलचेयर भी नहाने के टाइम पे भी अंदर चाहिए। अगर हमारी ये पास व्हीलचेयर रहेगी तो हम नहाने के टाइम पे इस पे पानी जाएगा और पानी जाएगा तो टायर खराब होंगे, आगे के पीछे के टायर खराब होंगे और इन सब कवर पे छींटे जाएंगी, तो आपकी व्हीलचेयर खराब हो। आप जिस तरह से खुद को मेंटेन रखते हैं वही चीज इस पे भी लागू होती है कि अपने व्हीलचेयर को भी आप संभाल के रखें, तो आपका वॉशरूम बड़ा होगा। तो आप अपने व्हीलचेयर को ऐसे जितना आगे कर सकते हैं वहीं पे होल्ड कर दें और छोड़ दें, फिर आप बाकेट लगाएं अब नहाने के लिए, आप नहा सकते हैं और नहाने के बाद फिर अपनी व्हीलचेयर को खींच लें। और एक चीज ये भी बताना चाहूंगा, जैसे कभी कभी हमारे पैरों में स्पाइजम होता है, हम बाई चांस नीचे गिर गए तो अभी क्या करेंगे, तो और बाहर से हम किसी को बुला नहीं सकते, तो
गिरने के बाद व्हीलचेयर पास में ही रहती है, वो हम अपने साइड में खींचेंगे और खींचने के बाद कमोड में गिर तो नहीं सकता, यहां से ऐसे उठा जाता है। आप यहाँ अगर गिरे कहीं भी हैं, लेकिन आप खिसक के यहाँ पे आपको आना पड़ेगा, व्हीलचेयर इस साइड में लेनी पड़ेगी। आपके पास व्हीलचेयर आ गई तो फिर इस तरह से आप फिर से वापस इस पे बैठ सकते हैं। फिर इसके बाद ये आपके अगर एक्टिव व्हीलचेयर है ना, तो आप सामने से ऐसे लगाएंगे, आपको शिफ्ट होना इजी पड़ेगा। अगर एक्टिव व्हीलचेयर को तिरछा लगाएंगे तो आप जल्दी शिफ्ट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इसकी एक वजह ये मैं बता रहा हूँ कि जैसे अपना ये कमोड, इसकी हाइट थोड़ा सा नीचे होती है, और नॉर्मली कोई भी व्हीलचेयर हो उसकी हाइट ज्यादा ही होती है। उतरने के टाइम पे तो हम आ सकते हैं, कमोड पे आने के टाइम पे हम इजीली आ सकते हैं, लेकिन जब हम कमोड से इस पे जाते हैं तो हमारा हिप्स ये कुशन पे टकराता है, कुशन फोल्ड होता है, फिर हम यहीं पे ऐसे रुक जाते हैं, हम वहां तक बैठ नहीं पाते। तो इसके लिए हम जब ऐसे तिरछा लगाते हैं तो ये ऐसे राउंड में है, ये हमारा हिप्स आसानी से इस पे अंदर तक जा पाता है। तो आप इस तरह से भी बैठ सकते हैं। ऐसे आसानी से आप बैठ सकते हैं। और दिखाता हूं दूसरा भी तरीका, क्योंकि कोई भी सिस्टम नहीं होता, हर बंदे का अपना अपना स्टाइल है, वो अपने हिसाब से मैनेज कर सकता है। तो अगर आप अपनी व्हीलचेयर तिरछा लगा रहे हैं, आप अपने एक पैर को फुटरेस्ट पे रखेंगे और दूसरे पैर को नजदीक करेंगे, व्हीलचेयर को लॉक करेंगे, व्हीलचेयर क्रॉस में जितना पास आ सकती है पास रखेंगे, फिर हैंड रेस्ट पे हाथ रखेंगे और दूसरा कमोड के दूसरे रिंग के साइड पे आपको ऐसे शिफ्ट कर सकते हैं। इन सब टाइम पे हमें बहुत ध्यान देना है कि हम कहीं गिर ना जाएं, बहुत संभाल के बैठना है। ये छोटी छोटी चीजें हैं। आप नहाने के टाइम पे शिफ्ट हो रहे हैं तो देखें हमारा पैर उस टाइम पे खुला होता है, फुट रेस्ट पे तो नहीं टकरा रहा है, अगर वहां पे कहीं पे टकराया वो जख्म होता है, फिर वो प्रॉब्लम होती है। तो ये सब चीजों को आपको ख्याल रखना है। और इसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि आपके पास अगर इंग्लिश टॉयलेट नहीं है तो दोस्तों ये कमोड चेयर है, ये सभी को आसानी से मिल सकती है और इसको आप कहीं भी रख के इस पे टॉयलेट मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए आपको वॉशरूम में कहीं भी तोड़ फोड़ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका नॉर्मल इंडियन टॉयलेट है तो उसके ऊपर ये कमोड चेयर रख के, और इसमें लॉक भी है, आप लॉक लगा लेंगे जिससे आपका आपकी ये चेयर इधर उधर नहीं फिसलेगी। तो इसमें शिफ्ट होने के लिए जैसे हम बेड पे बैठते हैं, अपनी व्हीलचेयर क्रॉस लगाते हैं, वैसे ही इस पे बैठना है, एक पुशअप लिए आगे आए, जिस भी साइड जब भी हमें शिफ्ट होना है उस साइड का हमारा पैर पहले आगे जाता है, पहले नीचे। अगर हमें लेफ्ट साइड में बेड पे शिफ्ट होना है या कमोड पे शिफ्ट होना है तो हमारा लेफ्ट साइड नीचे जाएगा, तो अभी हमें राइट साइड कमोड पे शिफ्ट होना है तो हमारा पैर राइट साइड का नीचे गया। और जब ये ऊपर रहता है तो प्रॉब्लम क्या होती है कि जब भी हम शिफ्ट होते हैं ना तो ये अचानक से ऐसे गिर के कहीं झटका लगता है और फिर जख्म होने के चांसेस होते हैं। तो उससे बचने के लिए हमें पहले से थोड़ा सेफ रहना है, पहले से पैर उतार दिए और व्हीलचेयर को तिरछा इसमें लगा दिए, ब्रेक लगा दिए, और अभी ये रिंग को, रिंग की कभी भी जिस साइड हम बैठ रहे हैं आगे के साइड नहीं पकड़ेंगे, हम उसके आगे के साइड को पकड़ेंगे। तो पकड़ के इस तरह से हम बैठ सकते हैं। और एक चीज ये भी बताना चाहूंगा कि हम जैसे ये वॉकर पे कमोड चेयर पे बैठ रहे हैं ना, तो हम यहाँ पे पकड़ के नहीं शिफ्ट होंगे, ये आपको कभी भी ऐसे पावर लगेगा फिर कमोड चेयर गिर जाएगी, आप भी गिरेंगे। हम यहाँ पे, यहाँ से हम मेंटेन कर सकते हैं ये कमोड चेयर पर, तो इस तरह से बैठ कर, और बैठने के बाद फिर वही सिस्टम है जैसे हम कमोड पे अपना मैनेज करते हैं। इस तरह से बैठ गए आप, सेम वैसे ही इस पे भी नहा सकते हो, टॉयलेट मैनेज कर सकते हो। ये तो हो गया कि अगर इंडियन टॉयलेट है तो उसके ऊपर आप ये लेके बैठ गए। तीसरा ये इसका एक तरीका है, अगर इंडियन टॉयलेट नहीं है, आप वॉशरूम तक नहीं जा पा रहे हैं, आपकी व्हीलचेयर वॉशरूम के अंदर नहीं जा पा रही है,
आपको अपने बेड के पास ही मैनेज करना है वॉशरूम, तो कमोड चेयर पे आप कैसे मैनेज कर सकते हैं? तो जब भी हम कमोड लेते हैं इसके साथ एक पॉट मिलता है। जब हम इंडियन टॉयलेट नहीं यूज कर रहे हैं तो वो हम पॉट यूज करेंगे अपने बेड के पास, ये पॉट। तो पॉट को आप नीचे रख लेंगे, ये थोड़ा सा अजीब जरूर लगता है कि हम किस तरह से, लेकिन एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि अगर यही चीज आपकी फैमिली आपको बेड पे करवट करके साफ सफाई करते, आपके मम्मी पापा भाई बहन कोई भी करता है, उससे कहीं ज्यादा अच्छा है, कहीं ज्यादा आसान है और आप अपने आप को फ्रेश फील करेंगे, आपको घुटन नहीं होनी। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप अकेले मैनेज कर सकते हैं, आपको किसी की जरूरत नहीं है, इतना कुछ भी मुश्किल नहीं होता। हाँ कुछ चीजें हैं जिस चीज के लिए हम आप सब के सामने ये ऐसे कुछ वीडियो डाल रहे हैं कि जो जानकारी आपको नहीं मिल पाती, वो चीजें जरिया कहीं ना कहीं से मिल पाएगा, मिल जाएगा, लेकिन ये सब सारी चीजें आपको इकट्ठी करनी पड़ेगी, आपको खुद से कोशिश करनी पड़ेगी। एक चीज में और जानने वाली चीज है कि ये अपना रिंग बहुत छोटा होता है, जैसे नॉर्मली इंग्लिश टॉयलेट का रिंग थोड़ा सा बड़ा होता है और हम पीछे से हाथ डाल पाते हैं, तो इसमें हम ऐसा नहीं कर सकते, हमें साइड से हाथ, हमारा हाथ पहुंचेगा किसी भी साइड से, इस तरह से हमें आपको मैनेज करना है। और दूसरी चीज कि अगर नीचे इंडियन टॉयलेट के ऊपर आपकी ये चेयर नहीं है, आप रूम में बेड के पास या कहीं भी आप मैनेज कर रहे हैं, तो आप व्हीलचेयर को हिला भी सकते हैं, किधर भी जा सकते हैं, कहीं भी इधर से उधर थोड़ा सा खिसक भी सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, जो आपकी जरूरत है वो आप ले सकते हो और आप मैनेज कर सकते हो। छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी जरूरतें हैं, आप जो इकट्ठा करोगे तो आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक चीज ये मैं बोलना चाहूंगा कि ये सब चीजें आप खुद से करोगे ना तो आपने एक जीने की चाहत होगी, आपकी फैमिली अगर करेगी ना आप घुटोगे, अपने एक एक दिन खुद से कम करना चाहोगे कि यार ये लाइफ क्या है। तो जो भी हो सकता है लाइफ को आसान करो और खुद से मैनेज करो। एक चीज और आप सबको जानना होगा कि हमारा वॉशरूम कैसा हो, कि हम किस तरह से उसमें अकेले मैनेज कर सकें, कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि जब भी आप वॉशरूम, जिनका बना है उनका तो पहले से बन गया है, थोड़ा सा मुश्किल होता है वो फिर चेंज करने के लिए, लेकिन जिनका बनाने का इरादा है, तो आप कभी भी कमोड को एक कोने में बिठाएंगे, एक साइड में बिठाएंगे, और उसी के अपोजिट जैसे ये इस कोने में है वैसे ही आप दरवाजा अगर लगा रहे हैं तो आपको दरवाजा राइट साइड में सामने या लेफ्ट साइड में सामने दरवाजा रखना है। तो शुरू में ही थोड़ा वो सब चीजों का ख्याल हो तो आप आसानी से अपनी लाइफ आसान कर सकते हो, कोई मुश्किल नहीं होगी। तो ये चीजों का ख्याल रखना है। और वॉशरूम का साइज कम से कम 6x5 का होना चाहिए, जिससे आसानी से व्हील चेयर टर्न हो सके, आप इसमें कपड़े चेंज कर सको, व्हील चेयर को मूव कर सको, कपड़े धो सको, आप नहा सको, तो जिस तरह से भी आप यूज करना चाहो इसमें आसानी से आप फ्रेश हो सको। तो कम से कम 6x5 का आप अपना वॉशरूम रखें। थैंक यू।